गंगा अवतरण का दिन है। आज के दिन को भाइयों और बहनों संन्यास दीक्षा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इसी कड़ी में आज तीन पटुकों ने संन्यास लिया है। संन्यास मतलब वस्त्र परिवर्तन नहीं होता है, जीवन परिवर्तन होता है। वस्त्र परिवर्तन तो दिखावे के लिए होता है बाहर बाहर, लेकिन जीवन में एक परिवर्तन आता है, अहंकार का त्याग, क्रोध का त्याग, निंदा का त्याग और ब्रह्म से अनुराग। लोक कल्याण के लिए अपने जीवन को खपा देना ही संन्यास कहलाता है। सब कुछ संसार को समर्पित, कौन से संसार को, जिसकी रचना परमात्मा ने की है, क्योंकि संसार को समझे बिना परमात्मा को समझ पाना मुश्किल होगा। संसार को समझेंगे तो परमात्मा भी समझ में आ जाएंगे। जिसने इतना विशाल ब्रह्मांड बनाया, सूर्य चमकाए, तारे खड़े कर दिए, पृथ्वी, एक चींटी की भी व्यवस्था, हाथी की भी व्यवस्था, सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ जिनके हाथ में है, विचार करिए वो कितने अद्भुत होंगे और कितने गजब होंगे, कितने गजब होंगे। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, विचार करिए आप, अद्भुत होगा ना, निश्चित होगा, है ही होगा क्या है। गंगा दशहरा, आइए पहले नामकरण कर लेते हैं तीनों सन्यासियों को, फिर आगे बढ़ते हैं। और उत्सव बहुत सारे हैं, सबकी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, कथा भी निवेदन करेंगे। प्रथम में जो बैठे हैं ये पदयात्री भी हैं, भारतवर्ष की पैदल यात्रा पर निकले हैं, गांव गांव जा करके, घर घर से लोगों को निकाल करके उनके भीतर गौ सेवा के प्रति भाव जगाने का दृढ़ निश्चय है। इनका नाम आज से गोपाल धीरजानंद सरस्वती रहेगा। गोपाल धीरजानंद सरस्वती, आप सभी आशीर्वाद दें कि अपने संन्यास कर्म में दृढ़ निश्चयता पूर्वक सफलता प्राप्त कर सके। अपनी ओजमयी वाणी से लोगों के हृदय में गौभक्ति और युवाओं के हृदय में गौरक्षा का भाव जगाने का काम जीवन भर करते हुए अपने जीवन की धारा को आगे बढ़ाएंगे। इनका नाम आज से रहेगा गोपाल गौ शरणानंद सरस्वती, गौ नहीं गौ, गोपाल गौ शरणानंद सरस्वती। आप सभी इनको आशीर्वाद दें पूरे मुक्त भाव से, कंजूसी नहीं करें, कि इनके संन्यास कर्म में सततता बनी रहे और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, लौकिक कार्यों में अपने जीवन को लगाते हुए अंतोगत्वा ब्रह्म के साथ इनका एकाकार हो जाए। तीसरे ग्वालों के लिए आदर्श बने, ग्वाल भाव सब में जगे, सबके भीतर ग्वालता है। तीसरी बटुक का नाम गोपाल ग्वालानंद सरस्वती, आप इन्हें पूरे भाव से शुभाशीष दीजिए कि भारत के हर घर में ग्वालों को खड़ा कर सके। घर घर में ग्वाल हो और घर घर में गोपाल हो, यही हम सबका ध्येय भी है, संकल्प भी है, और आप भक्तों के आशीर्वाद से यह सब संभव होगा। ये त्रिवेणी ठीक उसी प्रकार जगत का कल्याण करे,
जैसे प्रयाग में होता है जाने वालों का, प्रयाग में जाने वालों का होता है, ये जहां जाए वहां कल्याण बरसने लग जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश की भांति इनका जीवन बने, ग्वालों का प्रकटीकरण हो ब्रह्मा जी के रूप में, विष्णुमय बनकर के ये गांवों के पालन पोषण में लगे और रुद्र बनकर के गोगातियों के सहार का कार्य भी इनके द्वारा हो, यह सततता रहे। आज के शुभ दिन यह कार्य संपादित हुआ है, निश्चित रूप से हम सोचते हैं गोपाल परिवार के इन तीन नए सदस्यों के द्वारा गोपाल परिवार और अधिक गौरवमयी ऊंचाइयों को छुएगा और गौ सेवा का उद्देश्य जो है उसको पूर्ण करेगा।